हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हर घर पाठशाला में उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है लिखते हुए, तो ये सब बातें हम समझेंगे। तो बच्चों, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह नासिका से होता है, और अनुनासिक का जो उच्चारण है बच्चों वो नासिका और मुख दोनों से किया जाता है। तो आज कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और इसके दूसरे नाम हम क्या पुकारते हैं, क्या लिए जाते हैं, तो अनुस्वार को बिंदु और अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। बच्चों, तो पहले हम अनुस्वार लेते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन है, यौ यौ नौ नौ मौ, यानी कि स्पर्श व्यंजन का पांचवा जो वर्ण होता है वह अनुस्वार है। अब शब्दों में इसका प्रयोग शंकर, चंचल, झंडा, अंत, पंप। अब हम इसको यौ अगर लिखते हैं तो हलंत करके भी लिख सकते हैं, आधे रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये अनुस्वार को लिखने का तरीका है कि बिंदु भी लिख सकते हैं और आधा वर्ण भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है जैसे संशय हो गया, संहार हो गया, संयम हो गया, संसार हो गया, इनको हम आधे वर्ण के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि नियम है यदि अनुस्वार के बाद य र ल व श ष ह आते हैं तो अनुस्वार अपनी उसी स्थिति में रहता है। अगर बिंदु है तो बिंदु के रूप में, अगर आधा वर्ण है तो आधे वर्ण के रूप में, जैसे अन्य, कन्हैया, अन्वेषण, उसकी स्थिति फिर वैसी ही रहती है जैसा उसका रूप है। अब अनुनासिक चंद्र बिंदु अर्थात स्वर है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है शब्दों पर या स्वर पर? पांच, आंख, माँ, कांच, तो आपने भी देखा होगा, इस तरह का प्रयोग किया होगा बच्चों, आपने भी पाठ में भी पढ़ा होगा और लिखते हुए भी आपने अनुनासिक का प्रयोग यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया होगा जो कि स्वर है, और स्वर पर ये लगता है यानी कि औ से आउ तक। अब अभी तो हमने सिर्फ आ पे लगाया है, ऊ पर हम ऊंट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लगता है। अब यहाँ हमने नहीं, क्यों, बातें दोनों, आप सोचोगे कि ये बिंदु जैसा दिख रहा है, ये बेटा जो शिरोरेखा से ऊपर मात्रा यानी कि इसमें जो मात्रा लगी है इस कारण से जगह नहीं रही है, स्थान नहीं बचा है, तब चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में लिखा जाता है। शिरोरेखा यानी कि लाइन के ऊपर वर्तनी लगने के कारण ऐसा किया गया है। अब है बच्चों गृह कार्य। गृह कार्य सभी विद्यार्थी पांच पांच शब्द अनुस्वार और अनुनासिक वाले लिखेंगे। तो बच्चों अनुस्वार अर्थात बिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, अनुस्वार अर्थात स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण ये व्यंजन है, अनुनासिक अर्थात औ से औ तक जिस स्वरों के ऊपर लगता है अनुनासिक स्वर है। तो ये बात आप अच्छे से जान गए होंगे कि अनुसार अनुस्वार क्यों व्यंजन है और अनुनासिक क्यों स्वर कहलाता है। तो आपने गृह कार्य के रूप में नए शब्द ढूंढने हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी शब्द लिख सकते हैं बच्चों, और मैंने ये आपको स्पर्श व्यंजन यहाँ दिए हैं। तो इसका जो पांचवा वर्ण है हर वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, वही अनुस्वार है बच्चों। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपने ये वर्णमाला पढ़ी है जिसमें आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं बच्चों। तो आपको ये आज अनुस्वार और अनुनासिक अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों।